हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स. आई एम नेहा. आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज. एंड आज के हमारे टॉपिक हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या है. एंड गाइस, हम आपके लिए 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं. बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अपनी स्टडीज़ के लिए. सो 5 सितंबर को ज़रूर ऑनलाइन आना और चैनल ज़रूर चेक करना. तो आते हैं अपने टॉपिक पर. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, चाहे प्रॉफिट कम कमाया हो कंपनी ने, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा कमाया हो. और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है. प्रायोरिटी मतलब पहला राइट किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहला राइट, ठीक है? किस चीज़ में दिया जाता है पहला राइट? कि भाई जब भी कंपनी वाइंड अप या बंद होगी तो क्या होगा, सबसे पहले जो पैसा वापस किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं, फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. इसका क्या मतलब है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड फिक्स्ड मिलना ही मिलना है, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, जो भी है इनको फिक्स रेट मिलना ही मिलना है. सेकेंड पॉइंट है नो सिक्योरिटी, यानी कंपनीज जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है तो उसके अगेंस्ट उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है, कोई भी चीज़ गिरवी वगैरह नहीं रखनी पड़ती है. सेम जैसे कि इक्विटी शेयर्स में था, उसमें भी कुछ एसेट्स गिरवी नहीं रखने पड़ते थे. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स में क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़. इसका मतलब है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका दूसरा नाम हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ भी इनको बोला जा सकता है. क्यों? हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों के फीचर्स हो. तो प्रेफरेंस शेयर्स में किस किस के फीचर्स हैं? एक इक्विटी शेयर्स के और एक डिबेंचर्स के. डिबेंचर्स के फीचर्स कैसे हैं? क्योंकि इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. और इक्विटी शेयर्स के फीचर्स कैसे हैं? जैसे कि इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी इक्विटी जो है कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं. और जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, जैसे कि इक्विटी शेयर्स में भी कोई सिक्योरिटी जो है गिरवी वगैरह एसेट्स कुछ नहीं रखने पड़ते. तो दोनों फीचर्स हैं इसमें प्रेफरेंस शेयर्स में. फिफ्थ पॉइंट इज जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट होता है कि जब भी कंपनी वाइंड अप यानी बंद हो जाए बिल्कुल, तो वो कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई चाहे तुम अपने एसेट्स बेचो, चाहे कुछ करो, लेकिन जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है तुम्हारी कंपनी में वो मुझे वापस मिलना चाहिए. इक्विटी शेयर होल्डर्स से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पैसा वापस मिलता है. इसके बाद ये वीडियो खत्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.